अनजाना शहर, एक नई रात, एक नया सफ़र, लेकिन वही हम सफ़र। रास्ते बदलते गए, रातें बदलती गईं, नए लोग मिलते गए और मैं चलता रहा। आज का सफ़र दास्ताने मदारी के कॉन्सर्ट का है, जो कि गोरख हिल स्टेशन पर मुनक्कित किया गया। आई एम सो हैप्पी कि मैंने इस ट्रिप को लिया, बिकॉज आई मेट अ अल्टीमेट लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, जाफर शाह। जाफर शाह इज अ फुल टाइम एंटरटेनर। एज सुन एज वो हमारी बस में आया, हमें मालूम हो चुका था कि हमारा ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। वो सफ़र जो कुछ दोस्तों और बहुत सारे अजनबियों के साथ शुरू हुआ था, कुछ ही देर में ऐसा महसूस होने लगा कि बहुत सारे पुराने दोस्त आज एक अरसे के बाद एक साथ कहीं घूमने जा रहे हैं। ये जो करैक्टर आप बीच में देख रहे हैं, ये इस पूरे व्लॉग का सबसे एंटरटेनिंग पार्ट है, जाफर शाह। चले आए आपको कुछ झलकियां दिखाता हूं कि क्या वजह है कि जाफर शाह वाकई पाकिस्तान का सबसे बड़ा एंटरटेनर है। तमाम यात्रियों से निवेदन किया जाता है कि हम अगले 10 मिनट में नाश्ते के प्रबंध के लिए रुकेंगे। जो लोग बाजमात फजर की नमाज पढ़ेंगे, उन्हें एक के बजाय दूसरा अंडा दिया जा सकता है। अगर आप लोगों ने नमाज की डंडी मारी तो आपके अंडे से डंडी हम मार लेंगे। तो मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। नमाज का छोड़ना, दो के बजाय पराठे को एक कर देना, ये आपके अपने ऊपर है कि आप अपने आमलेट में प्याज चाहते हैं या नहीं। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। पर अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा बिखरा रहता है। ख्वाब तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, दूर क्यों इतनी तुम खड़ी हो और करीब आ जाओ। ये तो था अब तक का बस का सफर। यहाँ से आगे हम इस 4x4 में बैठकर गोरख हिल स्टेशन तक जाएंगे। आगे का रास्ता काफ़ी ख़राब है और कहीं कहीं पे तो रोड भी नहीं है, तो 4x4 ही बेस्ट ऑप्शन है। पीछे बैठने वाले लोग थोड़ा थक तो जाते होंगे, बट इट्स टोटली वर्थ द एफर्ट फॉर द ब्यूटिफुल सीनरी यू विल सी इन दिस व्लॉग। ऑल्दो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हरियाली देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ठंडक और खूबसूरती और कराची जैसे बड़े शहर के शोर शराबे से दूर पुरसकून एक रात गुजारने का मौका मिलेगा, जहाँ पे आप रात को आसमानों पे हजारों सितारे भी देख सकते हैं। इस धूप में कच्ची लस्सी, कच्ची लस्सी और तेरी दोस्ती पक्की, इस धूप में कच्ची लस्सी, कच्ची लस्सी और तेरी दोस्ती। ऑलराइट, सो
इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोरख्स हिल स्टेशन पे और आखिरकार एक 9 से 10 घंटे का तवील सफ़र के बाद हम लोग फाइनली गोरख हिल स्टेशन पर पहुँच गए। नाउ वी आर गोइंग टू द अपर माउंटेंस। इफ़ यू कैन सी राइट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन देयर, तो अब हम वहाँ जाएंगे सनसेट देखने के लिए। इट्स ओनली अराउंड 25 मिनट्स लेफ्ट बिफोर द सन सेट्स। इंतज़ार नहीं हो रहा कि जल्दी से सनसेट हो जाए, जल्दी से रात हो जाए और दास्ताने मदारी का वो कॉन्सर्ट देखने को मिले। इस व्लॉग में मैं आपको उस कॉन्सर्ट के सिर्फ हाइलाइट्स ही दिखाऊंगा। असली कॉन्सर्ट की वीडियोस आई विल बी अपलोडिंग देम लेटर ऑन, लेकिन आपको हाइलाइट्स देख के ही अंदाज़ा हो जाएगा कि हाउ इनक्रेडिबल दैट कॉन्सर्ट वॉज। जो सुनने आए हो वही सुनाऊंगा, जो देखना चाहते हो वही दिखाऊंगा। मैं दिलों से होता हुआ सोचों में बस जाऊंगा, मदारी हूँ जहाँ जाऊंगा तमाशा लगा। इस दिमाग में सिर्फ पता क्या चल रहा है कि आज रात की जो महफिल लगी है, जो तुम आए हो, जो मैं आया, जो तुम आए हो मैं आया हूँ और जो वो आया है, बज़ाहिर तुम्हें मैं देख सकता हूँ, बज़ाहिर तुम्हें मैं देख सकता हूँ, उन्हें महसूस करता हूँ, उन्हें मैं फील लेता हूँ। बज़ाहिर तुम्हें मैं सिर्फ देख सकता हूँ, उन्हें महसूस करता हूँ, उन्हें मैं छू भी लेता हूँ। तो भाई इस दिमाग में तो आज की ये महफिल सजी है सिर्फ इस एक, सिर्फ ये दो लाइन है, ये हो गई तो पूरे, फिर जो शुरू में और आखिर में हो रहा है वो सिर्फ खाना पूरी है, ये पूरे। दो तीन चार मस्त हुआ ट्रिप फाइनली एंड होने को आया है एवेंटिका के साथ। भाई पीछे तो हो जाए एक सेकंड। तो अबे जाफर भाई से सॉरी यार, जाफर भाई सॉरी गलत बात है, मैंने नाश्ता नहीं किया पैसे पे जान। जाफर भाई ने हमें जितना एंटरटेन कराया है, आई हैव नेवर बीन दैट मच एंटरटेन इन माय लाइफ। एवेंटिका आर द बेस्ट गाइस, हाईली रिकमेंडेड। जीम से जाफर लाइव विद ऑरन के ब्लॉग। ये यूट्यूब पे आएगा जहाँ पे आपका जीम से जाफर आ रहा है, जिसका मैं बार बार बोल रहा हूँ जीम से जाफर को सब्सक्राइब करो। आपकी स्क्रीन पे पहला आइकन आ रहा है, दबा दो। और भाई के ब्लॉग मैंने देखे, कैसे होते हैं? बहुत अच्छे ट्रेवल वाले होते हैं। हो गया जी, सब्सक्राइब का बटन दबाएं। जीम से जाफर गाइस लाइव विद ऑरन के ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया। अगर ऐसा है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए सफ़रनामे के साथ। तब तक के लिए साइनिंग आउट ऑरन के व्लॉग्स।